अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत रहमान और रहीम है। आज का टॉपिक हुंडई के ईसीएम की जानकारी प्रोवाइड करना है। हुंडई के ईसीएम ज़्यादातर ख़राब होते हैं और इनकी जानकारी रखना भी ज़रूरी है कि कौन सी गाड़ी में हमारा कौन सा ईसीएम लगता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कौन कौन सा ईसीएम किस किस गाड़ी पर हुंडई में सपोर्ट करता है। तो आज सबसे पहले ईडीसी 16C39C39, हालांकि इस ईसीएम का यूज़ महिंद्रा गाड़ी में भी किया गया है और इस ईसीएम का यूज़ आपके हुंडई में भी किया गया है। तो हुंडई में जो है वो ये वरना 400 जो पुरानी वरना आती थी, वरना 400, वरना 401, 401, 410 और 411 गेट्स, 505, 506, इन सब मॉडल्स में ईडीसी 16C39 का इस्तेमाल किया जाता है। इस ईसीएम पर यहाँ एक नंबर लिखा होना चाहिए था, जो नंबर होना चाहिए था 3911, यानी कि 39 से स्टार्ट होना चाहिए था और जहाँ 39 होता है वो हुंडई को सपोर्ट करता है। तो 16C39 जो है वो 400, वरना 400, वरना 401, 410, 411 एंड जो गेट्स गाड़ी आती है 505 एंड 506 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक इसका जो एक सर्किट है वो अंदर से इस तरह से होता है, ठीक है, और इसमें सीपीयू है 562 वाला, वॉल वाला, तो इस तरीके से ये वरना का ईसीएम हो गया। इसके बाद दूसरा है 17C08 और यहाँ पर 17C53, दोनों सेम ही है, 17C08 और 17C53। इसके अंदर जो सीपीयू इस्तेमाल किया गया है वो है 1766 सीपीयू इस्तेमाल किया गया है और इस गाड़ी का यूज़ जो है वो वरना फिल्यूडी i20 जो 2009 से लेकर 2012 के बीच में क्रिएटा, और वरना फिल्यूडी जो 2018-2020 में भी इसका यूज़ किया गया है। हालांकि जो 2018-2020 में है उसका सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है, और जो 2011 से 17 के बीच इस्तेमाल किया गया है वो इसके अंदर सॉफ्टवेयर अलग है। तो ये रहा आपका 17C8, 17C53, दोनों सेम है। इसके बाद एक ईसीएम आता है डेल्फी में जो DCM 3.7, ये हुंडई का जो गाड़ी है उसमें डेल्फी का ईसीएम यूज़ होता है, DCM 3.7, और ये वाला जो ईसीएम है वो i10 ग्रांड एक्सेंट i20 1.4 CRDI वाला और क्रिएटा वरना फिल्यूडिक 1.4, तो 3.7 का इस्तेमाल इन इन जगह पर किया जाता है, DCM 3.7। और इसमें जैसा कि दिखाया जा रहा है ये 39130, इसका मतलब यही है कि इसका ताल्लुक हमारा हुंडई गाड़ी से रखता है। अब बीच में एक बहुत ज़रूरी और एक अहम बात आपसे करनी थी, वो ये थी कि जब हम कोई वीडियो तैयार करते हैं तो उसमें जो है अच्छा खासा वक्त लगता है क्योंकि हम ईसीएम को रिपेयर करने वाले हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाना
हमारे लिए आसान नहीं रहता है, काफ़ी वक्त निकालना पड़ता है। कौन सा टॉपिक होगा, उसके मौजू क्या होंगे, उसके एक्सप्लेन करने वाला मटेरियल क्या रहेगा, उसके नंबर्स, तमाम बातें करनी पड़ती हैं। उसके बाद उसको एडिटिंग करना है, अपडेटिंग करना है और थंबनेल बनाना है, काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, जब आपके लिए इतनी कोशिश की जाती है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कम से कम 5 सेकेंड का वक्त निकाल कर आप वीडियो को सब्सक्राइब करें बराह करम। जब आपके लिए हम 4-5 घंटे दे सकते हैं तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमें नहीं मालूम हमारी वीडियो किस तरह की हैं, आपको पसंद है या नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो इस सिलसिले को यहीं रोका जाए, फिर अननेसेसरी कोशिश ना की जाए। और अगर पसंद है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें और अच्छी कोशिश कर सकें। आपको जो सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला बढ़ाना होता है। ये बहुत ज़्यादा हुंडई में यूज़ हुआ है ये कैफिको वाला, ये ECM बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और इसमें प्रॉब्लम भी काफ़ी आती हैं। तो अच्छा, इसमें जो नंबर है हमारा 39100, यानी कि 39 सीरीज है, इसका ताल्लुक हुंडई से हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो सबसे नीचे एक नंबर दे रखा होता है M7.9.8, M7.9.8, राइट। तो ठीक है, ये नंबर जो हुआ M7.9.8, तो इस ECM का जो यूज़ है वो यूज़ बहुत हुआ है और ये ख़राब भी काफ़ी होता है, अक्सर इसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये i20 में 1.2, i10 1.2, i10 में, वरना में, तो इन सब जगह पर इसका इस्तेमाल काफ़ी देखा गया है, काफ़ी होता है। कैफिको वाला है जी, और इसका ये पार्ट नंबर 39 तो रहेगा। कहीं कहीं देखने में ये आपको जैसे लिखा आ रहा है 3206, तो ये इंडिकेशन ये बताता है कि ये पर्टिकुलर किस मॉडल का है। मसलन ये i20 का है, i10 का है, वरना का है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वहाँ ले जाता है। 39 तो रहेगा, 39 रहेगा, लेकिन ये वाला जो है तो वो जो है वो पर्टिकुलर उस गाड़ी का इंडिकेशन दे रहा है, बता रहा है कि इसका ताल्लुक इस गाड़ी से है। अच्छा, इसका हार्डवेयर किस तरीके से है? इसका हार्डवेयर आप देखें, ये काफ़ी ख़राब होती है, ये वाली IC काफ़ी ख़राब होती है। और इसकी जो सप्लाइयाँ वगैरह हैं, ये येल्लो कलर के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, अक्सर ये शॉर्टिंग वगैरह दिखाते हैं, इसके ट्रैक टूट जाते हैं। इसका CPU जो है वो इन्फेनियन का है, ट्राइकोर का CPU इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है जी। और बाकी इंजेक्टर के लिए IC लगी हुई है। इस मॉडल में अच्छी खासी प्रॉब्लम आती है और इसके जो सर्किट अक्सर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है इस मॉडल में। फ्रंट से ये है, ये सारी सप्लाइयाँ हैं हमारी, येलो कैपेसिटरी कॉयल इस्तेमाल की गई, सप्लाई बना रही है यहाँ पर। ये है, यह प्रोग्रामिंग के लिए है। इंजेक्टर सेक्शन आ गया हमारा, ये इंजेक्टर सेक्शन हो गया हमारा, ये सारी ढेर सारी सप्लाइयाँ हो गई, ठीक है। तो ये इसका रहा ये। इसके बाद इंजेक्टर देख लें आप, 1 2 3, सॉरी मॉसफेट जो है 2 4 5 6, ये मॉसफेट हो गया। इसकी गेट्स पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गए जी। इनका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। तो कैफिक को इसके बाद हमारा एक ECM आता है जिसका पार्ट नंबर होता है ME 17.9, और इसके बाद 21।
इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो है 1724, 1724 का सीपीयू है ये। और ये i20 पेट्रोल में जो पुश बटन गाड़ी आती है वहाँ पर ये वाला ईसीएम हमारा लगता है, i20 पेट्रोल में। इसका पार्ट नंबर है ये 17.921, और ये हुंडई का पार्ट नंबर हो गया, ये ईसीएम का पार्ट नंबर हो गया। तो ये वाले ईसीएम रहे हमारे, ये भी हुंडई में ही इस्तेमाल होता है। ये एक डेंसो का ईसीएम है और इसका पार्ट नंबर 3911100005005, इसका ये पार्ट नंबर हो गया। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये डेंसो का एसीएम है और इसका इस्तेमाल जो है पेट्रोल गाड़ी में किया जाता है हुंडई में, ठीक है। इसका ये हार्डवेयर है डेंसो वाले का, ये हार्डवेयर हो गया। थ्री नाइन डबल वन फाइव जीरो डबल जीरो फाइव 3910 6 कैफी को है ये। इसका भी हुंडई के सेंट्रो वगैरह पुरानी गाड़ी गेट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल खूब हुआ है। अगली वीडियो इंशाल्लाह तबरकल्ला स्विफ्ट डीजल पर अपलोड करेंगे, और इसमें जो बहुत अहम रोल अदा करती है ये तीन आईसीएम, ठीक है, तो इनका बड़ा अहम रोल है। इसमें लो गेट और हाई गेट है, इंजेक्टर के लिए वर्क करते हैं, 12 वोल्ट सप्लाई के लिए वर्क करते हैं, अक्सर इसमें 21 वोल्ट नहीं बनते या 12 वोल्ट नहीं बनते, तो अक्सर लोग आईसी निकाल देते हैं। निकालना ठीक है या नहीं है वो इस पर इंशाल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। किस तरह से चेक करें इसकी, कौन कौन सी पिन जो बहुत अहम है, कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, इंजेक्टर में के जो मॉस्फेट है उसके गेट के लिए इनका क्या रोल है, कौन सी दो आईसी जो है वो इंजेक्टर से ताल्लुक़ रखती है, कौन सी जो है सप्लाई बनाने से ताल्लुक़ रखती है, कहाँ पर ये किस पोजीशन पे इनकी वर्किंग शुरू होती है, तो इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो इस मौजू पर रोशनी डालेंगे। और एक बार फिर बराहे करम हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें, और हमको ये महसूस होना चाहिए कि जो हम कोशिश करते हैं वो आपको बेहतर लग रही है या नहीं लग रही है, हमको कैसे मालूम, ठीक है। आपका जितना बेहतर सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह ताला हम उतनी बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज का मौसम ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी अपनी। हाँ, इसके अलावा एक वीडियो जो और हमारी अभी हाल में ही शुरू हो जाएंगी VS6 बाइक के ऊपर, जो बाइक आ रही है VS6 वो उसकी एक सीरीज़ पूरी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी जल्दी ही शुरू होगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।